नमस्कार दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेस्ट 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसका हम पार्ट 4 करने वाले हैं। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि इस वीडियो का नाम अगर बेस्ट 100 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें सिर्फ हम 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही करने वाले हैं। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो भी आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है जितने कि ये क्वेश्चन होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना। और चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। फर्स्ट क्वेश्चन है डाइसेक्शन ऑफ ए डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ। देखो, डाइसेक्शन करना मतलब दो भागों में किसी चीज को डिवाइड करना या फिर किसी चीज को अलग अलग करना, ऑफ ए डेड बॉडी को टू फाइंड, ढूंढने के लिए द कॉज ऑफ द डेथ। देखो, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं, ठीक है, पोस्टमार्टम वर्ड आपने सुना होगा। पोस्टमार्टम क्या मतलब होता है इसका? मोर्टम मतलब मरने के लिए और पोस्ट मतलब बाद की बात, ठीक है। अगर यहाँ पे एंटेमोर्टम होता, ANTE, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता कि मरने से पहले की बात हो रही है, यहाँ पे मरने से बाद की बात हो रही है। ये जो पोस्टमार्टम होता है ना, पोस्टमार्टम में क्या होता है कि रीजन ऑफ डेथ को फाइंड करते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ कैसे हुई। तो उस चीज को पोस्टमार्टम को साइंस की लैंग्वेज में या एक दूसरी लैंग्वेज में ऑटोप्सी भी बोला जाता है, ठीक है। ऑटोप्सी का मतलब और कुछ नहीं होता, पोस्टमार्टम को ही हम ऑटोप्सी कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पे दूसरा वर्ड भी है और दैट इज बायोप्सी। यहाँ पे ऑटोप्सी वर्ड को हमने डिस्कस किया, एक वर्ड होता है बायोप्सी। अब ये बायोप्सी वर्ड भी बिल्कुल कुछ इसी जैसा है, लेकिन ऑटोप्सी के अंदर क्या होता है कि पर्सन की डेथ के बाद रीजन जानने के लिए डाइसेक्शन ऑफ डेड बॉडी किया जाता है। लेकिन बायोप्सी के अंदर अगर कोई व्यक्ति जीवित है और अभी वो बीमार है, ठीक है, तो उसमें किसी भी सेल को लिया जाता है, ठीक है, उस बॉडी में से किसी भी सेल को लिया जाता है और उसकी जांच की जाती है कि इस बीमारी का, इस डिजीज का कोज क्या है। तो उस चीज को हम बायोप्सी कहते हैं। आपको याद रखना है, बायोप्सी जीवित के लिए होती है, लिविंग के लिए होती है, और जो ऑटोप्सी होती है वो डेड के लिए होती है। दोनों में रीजन फाइंड किया जाता है डिजीज का या फिर डेथ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड रिलीजियस आइडियाज एंड बिलीफ। देखो, ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया है कि एक वर्ड होता है थियो या फिर THE तक भी अगर आप लेते हैं, और जब भी इसकी प्रोनंसिएशन इस तरीके से होती है, थियो के सेंस में होती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पे किसकी बात हो रही है, वहां पे गॉड की बात हो रही है, वहां पे भगवान की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, थियोलॉजी। लॉजी मैंने क्या होता है, स्टडी होती है, और थियो किससे रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, गॉड किससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म की स्टडी या फिर रिलीजियस आइडियाज और बिलीफ की, कि जो धर्म से संबंधित विचार होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहेंगे, तो उनकी स्टडी को हम थियोलॉजी कहेंगे। सो थियोलॉजी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए प्लेस वेयर ज्यूज वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ज्यूज हम किन को कहते हैं, यहूदियों को कहते हैं। हिंदी के अंदर जो यहूदी हम बोलते हैं ना, उनको हम ज्यूस बोलते हैं, ठीक है। और है, जैसे हिंदुओं के लिए टेंपल होता है, ठीक है, उसी तरीके से ज्यूस के लिए क्या होता है, सिनेगोग होता है। सिनेगोग इसको हम कहते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसमें याद करने की ही चीज है ये, कोई पर्टिकुलर तरीके से रिलेट करके हम इसको नहीं बता सकते, और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An area of a land that is controlled by a ruler. तो dominion, dominion का मतलब होता है क्षेत्राधिकार एक तरीके से। कोई भी ruler है, उसका एक area होता है कि कहाँ तक वो शासन कर रहा है, कहाँ तक वो rule कर रहा है। तो जहाँ तक का उसका area होता है, जहाँ तक उसका साम्राज्य है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, dominion बोलते हैं, ठीक है। Next word की तरफ बढ़ते हैं। Next is one who is greedy. जो लालची होता है, ये ग्रीडी का सिनोनियम है भाई, एवेरिसियस। एवेरिसियस भी हम किसको बोलते हैं, लालची को बोलते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के सिनोनियम है। लेकिन एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक वर्ड वोरेसियस भी होता है, वोरेसियस। एवेरिसियस जैसा ही लग रहा है वोरेसियस, लेकिन ये अलग होता है। वोरेसियस का मतलब होता है पेटू, मतलब जो ज्यादा खाता है। क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, वन हु ईट्स, वन हु ईट्स too much,
जो बहुत ज्यादा खाता है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वोरेसियस बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लावर और लीव्स विच कैन ऑफन कोज डिजीज। सिंपल होना चाहिए, फास्ट स्प्रेडिंग, तेजी से बढ़ने वाला प्लांट कोई भी पौधा, विदाउट फ्लावर और लीव्स, ना तो उसमें फूल होते हैं ना पत्ते होते हैं, विच कैन ऑफन कोज डिजीज, और जिसके कारण बीमारी हो सकती है। तो ये देखो, ये ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाता है एग्जाम में कि किसकी बात हो रही है। आपको पता है बहुत सारी डिजीज होती हैं जो फंगस से होती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि फंगस की जो स्टडी होती है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। इस ये क्या कह रहे हैं, सूखा मौसम जहां पे बारिश ना हो, तो क्या कहेंगे, सूखा पड़ गया। सूखे को क्या बोला जाता है, ड्रफ बोला जाता है, डी आर ओ यू जी एच, जैसे बाढ़ को फ्लड बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से सूखे पड़ने को हम क्या बोलते हैं, ड्रफ बोलते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। देखो, जब हमने एक क्रेसी वाले वर्ड किए थे कि टाइप टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, जैसे अपनी डेमोक्रेसी है, कहीं पे ब्यूरोक्रेसी होती है, कहीं पे मोनार्की होती है, कहीं पे थियोक्रेसी होती है, अलग अलग तरह की गवर्नमेंट होती है, तो उनमें से एक वर्ड होता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब जब जो सरकार है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, सरकारी लोगों के द्वारा चलाई जाती है, तो उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोल देते हैं। और उसमें क्या होता है, हमने कई बार देखा है कि कोई काम हमको करवाना है तो उसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होने लगती है। अब इसके साइन नहीं है, अब ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, अब कल आना, अब वो नहीं आया, अब वो नहीं आया, तो ये जो सारी चीजें होती है, टू मच का मतलब बहुत ज्यादा, ऑफिशियल मतलब ऑफिस से रिलेटेड, फॉर्मेलिटी मतलब जो भी काम होते हैं, तो कुछ ज्यादा ही जब हो जाते हैं तो उन्हें रेड टैपिज्म बोला जाता है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल फीताशाही बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, लाल फीताशाही बोल देते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुके हैं, जितने भी वर्ड मैं करा रहा हूं ये सभी के सभी एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में भी ऐसे के ऐसे देखे जाएंगे, तो आप बस जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट देखो भाई, लिविंग टूगेदर ऑफ ए मैन एंड वुमेन विदाउट बींग मैरिड टू ईच अदर, मतलब मैन और वुमेन का साथ में रहना, अभी उनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वे साथ में रह रहे हैं, उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को हम नॉर्मली भाषा में तो लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक पर्टिकुलर जो वर्ड है दैट इज कॉन्क्यूबिनेज, ये वर्ड है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट या पब्लिक रिकॉर्ड्स आर कैप्ट, ऐसी जगह को क्या कहते हैं जहां पे गवर्नमेंट या पब्लिक के जो रिकॉर्ड होते हैं, जो दस्तावेज होते हैं, उनको रखा जाता है, उसको आर्काइव बोला जाता है। आर्काइव एक तरीके से संग्रहालय होता है। ठीक है, आर्काइव क्या होता है, संग्रहालय होता है जहां पे पुरानी चीजों को संभाल के रखा जाता है। नॉर्मली ये क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, उस चीज को हम आर्काइव कहते हैं। अब इसी तरीके से ना बहुत सारे वर्ड हैं कि इस प्लेस को क्या कहते हैं जहां पे ये रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, जहां पे वो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, तो कुछ और वर्ड है, ये सारे के सारे हम इकट्ठे देखने वाले हैं, तो बस आप ध्यान यहीं पे रखिए। देखो, पहला वर्ड है प्लेस फॉर कीपिंग हनी बीज। हनी बीज मतलब मधुमक्खियों को, तो मधुमक्खियां जहां पे रखी जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। कैसे पता चलेगा, आपको पता है कि मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एपिकल्चर बोलते हैं। एपी वर्ड किससे रिलेटेड होता है, एपीआई, ये मधुमक्खियों से रिलेटेड होता है, इसीलिए जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपियरी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ए वाटर टैंक फॉर कीपिंग फिशेज, इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे, हॉस्पिटल में या किसी इंपॉर्टेंट जगह पे, वहां पे क्या होता है कि मछलियां रखी होती है एक ग्लास के अंदर जिसमें पानी होता है, तो उस ग्लास में जो प्लेस है यानी कि ये वाटर टैंक, वो जो वाटर टैंक होता है मछलियों को रखने का, उसका कोई नाम तो होता होगा ना, हाँ उसका नाम होता है एक्वेरियम। कैसे और अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, आपको पता है कि एक्वा एक्वस जो वर्ड होता है ना वो वाटर से रिलेटेड होता है। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक्वा वर्ड किसी चीज में आता है तो इसका मतलब वहां पे वाटर की बात हो रही है, वहां पे पानी की बात हो रही है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, प्लेस ऑफ रेसलिंग।
रेसलिंग करने की जो जगह होती है, जैसे बॉक्सिंग की जो जगह होती है उसको रिंग बोला जाता है, इसी तरीके से रेसलिंग की जो जगह होती है ना उसको एरिना बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में नॉर्मली क्या कह देते हैं, अखाड़ा कह देते हैं। नेक्स्ट देखो ये प्लेस फॉर लूनेटिक्स। लूनेटिक्स क्या होता है? लूनेटिक्स हम पागल को बोलते हैं भाई, ठीक है। और जहां पे पागलों को रखा जाता है उनको लूनेटिक असाइलम, ये पूरा वर्ड आएगा इकट्ठा, लूनेटिक असाइलम बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, प्लेस फॉर द पॉलिटिकल रिफ्यूजीज। पॉलिटिकल रिफ्यूजीज असाइलम, असाइलम का मतलब ही क्या होता है? देखो असाइलम इसमें भी है, असाइलम इसमें भी है, इसीलिए मैंने बताया कि इसका पूरा नाम होता है लूनेटिक असाइलम, ठीक है। असाइलम का क्या मतलब होता है? किसी को शरण देना। रिफ्यूजी क्या होते हैं? रिफ्यूजी होते हैं शरणार्थी, जैसे रोहिंग्या शरणार्थी का इशू चल रहा है, या फिर जो भी माइनॉरिटीज हैं, अभी अभी CAA की बात चल रही है, उसमें भी जो शरण लेने के लिए आए हैं उनको शरणार्थी बोला जाता है। और जहां पे उनको शरण दी जाती है वो एक प्लेस होता है पर्टिकुलर, उसको क्या बोला जाता है? असाइलम बोला जाता है, ठीक है। आपको इस तरीके से बातें यहां पे ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो कुछ ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लेस फॉर कीपिंग गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। ये तो हो चुका, ये क्वेश्चन में ही था, आर्काइव जिसको हम कहते हैं। हाउस फॉर द ऑर्फन्स। ऑर्फन क्या होते हैं? अनाथ। और जो अनाथालय होता है उसको ऑर्फनेज बोला जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, नेम द प्लेस वेयर वी ग्रो फ्रूट ट्रीज। जहां पे फ्रूट वाले पौधे यानी कि फलों वाले पौधे उगाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? बगीचा बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बगीचे को हम ऑर्चार्ड बोलते हैं, ORCHARD। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। जहां पे घोड़ों को रखा जाता है उसको स्टेबल बोला जाता है, STABLE। स्टेबल मतलब क्या होता है? अस्तबल। नेक्स्ट इज नेम द प्लेस वेयर पीपल गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलना, और जहां पे जुआ खेला जाता है उस प्लेस को क्या बोला जाता है? कसीनो बोला जाता है। अगर आपको नी दिखाई दे रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, उस प्लेस को क्या बोला जाता है? कसीनो बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं प्लेस फॉर वॉशिंग यूटेंसिल। यूटेंसिल्स हम कहते हैं बर्तनों को, और जहां पे बर्तनों को धोया जाता है, अगर बड़े होटलों की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है? नॉर्मली एक अलग प्लेस होता है बर्तन धोने के लिए, तो वो जो एक अलग प्लेस होता है बर्तन धोने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? स्कलरी बोलते हैं, SCULLERY। प्लेस फॉर बरिंग द डेड। बरी मतलब क्या होता है? दफनाना। डेड मतलब क्या होता है? मृत। तो जहां पर मृत लोगों को दफनाया जाता है उसको सिमेट्री बोला जाता है, CEMETERY। SY वाला नहीं है, SY वाला सिमेट्री होता है, सेम चीजें होना, और ये सिमेट्री है CEMETERY। इसको कब्र का नॉर्मली हम बोल देते हैं, ठीक है। एक इसके लिए सिनोनियम है ग्रेवयार्ड भी आप लिख सकते हैं, तो ग्रेवयार्ड भी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द प्लेस वेयर द गवर्नमेंट क्वाइंस मनी। यहाँ पे क्वाइंस वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ऐसी जगह को क्या कहते हैं? जहां पे सरकार जो है वो मनी बनाती है, ठीक है, सिक्के जो है वो बनाती है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको मिंट बोलते हैं, और हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? टकसाल बोला जाता है, ठीक है। तो मिंट बोला जाता है टकसाल को, जहां पर कॉइन्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेस फॉर कीपिंग पिग्स। जहां पे पिग्स को रखा जाता है उसको स्टे बोला जाता है, हिंदी में इसको हम बाड़ा बोल देते हैं, ठीक है। और पिग्स के लिए मैंने एक सिनोनियम बताया था, दैट इज स्वाइन। स्वाइन वर्ड है ना, वो पिग्स के लिए ही हम यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, व्हाट डू वी कॉल द प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर द पोस्टमार्टम। देखो अस्पताल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह होती है जहां पे डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम करने के लिए, तो उसको मोर्चुरी बोला जाता है, MORTURY। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेयर डू वी कॉल दी हाउस ऑफ ए डू। यहाँ पे डू नहीं आएगा भाई, यहाँ पे डोग आएगा, ठीक है। यहाँ पे डोग है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, तो कैनल बोला जाता है, जो डॉग्स के लिए घर होता है जहां पे हम उनको रखते हैं। नेम दी स्क्वेरल्स होम। स्क्वेरल हम किसको कहते हैं? गिलहरी को कहते हैं, ठीक है। और गिलहरी का जो घर होता है उसको क्या बोला जाता है? ड्रे बोला जाता है, DREY। प्लेस वेयर स्किन्स आर प्रोसेस्ड। स्किन क्या होती है? चमड़ी को हम बोलते हैं। प्रोसेस्ड मतलब जो जानवरों की चमड़ी होती है उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो जहां पे किया जाता है उसको टैनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टैनरी। वेयर द वाइल्ड एनिमल रेस्ट।
जहां पे जो जंगली जानवर होते हैं रेस्ट करते हैं, हिंदी में उसको हम मांद बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर आप उसको लेयर भी बोल सकते हैं, फिर डेन भी बोल सकते हैं, डी ई एन. नेक्स्ट वर्ड इज प्लेस फॉर एम्यूनेशन, सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग डाटा. आपने ये तो मोबाइल में भी देखा होगा, जब हम चीजें डिलीट करते हैं ना तो डिलीट कैशे का ऑप्शन आता है, इसको हम कैशे बोलते हैं जब इसकी प्रोनंसिएशन करते हैं. तो ये नॉर्मली एक ऐसी जगह होती है जो छिपी हुई जगह होती है, जो आगे नहीं दिखते हमको चीजें, छिपी हुई होती है. ये दो वर्ड के लिए यूज किया जाता है, ऐसा प्लेस जहां पे हथियार छुपाए जाते हैं उसको भी कैशे बोला जाता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो अपना डाटा स्टोर करता है जहां पे उसको भी कैशे बोला जाता है. नॉर्मली अगर आप इसकी हिंदी चेक करते हैं तो इसका मतलब होता है छिपने का स्थान. आगे देखो भाई, आगे यहाँ पे है प्लेस वेयर ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड. सेक्युलर, आपको पता है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है. तो ऐसी जगह जहां पे सभी धर्मों का सम्मान होता है, ऑनर किया जाता है उन्हें, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर बोलते हैं. नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इज एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद इन विद वंस हेल्थ. एक्सेसिव, एक्सेस मतलब अधिकता में, एक्सेसिव मतलब बहुत ज्यादा. प्री ऑक्यूपेशन, किसी के दिमाग में कुछ बैठा हुआ है उस चीज को. ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपाई करना, उस जगह को घेरना. प्री ऑक्यूपेशन पहले से ही. विद इन वंस हेल्थ, विद वंस हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ के बारे में अगर किसी के दिमाग में पहले से ही भरम बैठा हुआ है, एक्सेसिव वो भी बहुत ज्यादा, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम हाइपोकेंड्रिक बोल देते हैं. ये एक ऐसा पर्सन होता है, ये बहुत ही ज्यादा केयरफुल होता है अपनी हेल्थ को लेके, ठीक है, या फिर उसको हर टाइम वहम होता रहता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, तो उसको हम हाइपोकेंड्रिक बोलते हैं. ये आपको चीज ध्यान रखनी है. नेक्स्ट देखो, विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, इम्प्यूनिटी. इम्प्यूनिटी वर्ड होता है भाई दंड मुक्ति. इम्प्यूनिटी क्या होता है भाई? दंड मुक्ति होता है, एक तरीके से समायाचना जो मिलती है, किसी ने कोई क्राइम किया है वो अपील करता है, उसे अगर इम्प्यूनिटी मिल जाती है तो इसका मतलब उसका दंड माफ कर दिया गया है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज डीप इन थॉट. इधर से देखो आप, डीप इन थॉट का मतलब क्या होता है? पेंसिव. पेंसिव मतलब क्या होता है? विचार मगन. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही अपने विचारों में खोया हुआ है ना, तो उसके लिए हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं, पेंसिव वर्ड का. आप इस पिक्चर के जरिए देख सकते हैं, इस पिक्चर में आपको पता होगा कौन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी. एक इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हाल ही में अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, तो ऑस्कर में एक मूवी है जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है. कौन सी मूवी है? अमेरिकन फैक्ट्री. वो जो प्रोडक्शन हाउस है ना, वो बराक ओबामा का ही है. तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं. आपने बताना है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है ऑस्कर में. ए जोकुलर पर्सन हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग एनेक्डोट्स. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी, ध्यान यहीं पे रखो बस. ए जोकुलर पर्सन, बिल्कुल जो फनी पर्सन है, हु इज फुल ऑफ अम्यूजिंग. अम्यूजिंग मतलब होती है जो अच्छी लगती है हमको. एनेक्डोट्स मतलब होता है दंत कथा. देखो पहले तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, आंसर बताने से पहले मैं दो तीन चीजें बताता हूं कि स्टोरी दो तीन प्रकार की होती है. एक स्टोरी होती है फेबल, ठीक है, ये भी स्टोरी का एक टाइप है. एक होती है पैरेबल, ठीक है, एक होती है लीजेंड. ये स्टोरी के टाइप है सारे के सारे. और एक होती है एनेक्डोट. ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको ध्यान से समझिए ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में. फेबल वो स्टोरी होती है जिसके अंदर स्टोरी को समझाने के लिए करेक्टर जो होते हैं वो जानवर होते हैं, ठीक है, बिल्ली, मौसी और वो मोसा, ऐसे वाले जो करेक्टर होते हैं ना, उसको फेबल कहते हैं. यानी कि ऐसी स्टोरी जिसके अंदर एनिमल्स करेक्टर को यूज किया जाता है, उसको हम फेबल कहते हैं, ठीक है. दूसरा वर्ड आ गया पैरेबल. पैरेबल हम कहते हैं ऐसी स्टोरी जिसके अंदर मोरल लेसन होता है. तो मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा वाली जो स्टोरी होती है ना, उनको हम पैरेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पैरेबल बोलते हैं. लीजेंड क्या होता है? लीजेंड होती है फेमस स्टोरी, ठीक है, कोई पुरानी स्टोरी और वो बहुत ही फेमस है, उस चीज के लिए हम लीजेंड वर्ड का प्रयोग करते हैं. लेकिन जो एनेक्डोट है ना, एनेक्डोट स्टोरी तो होती है, लेकिन ये किस्से होते हैं. और ये कोई जैसे एनिमल्स वाली तो जरूरी नहीं है कि वो सच्ची घटना हो, वो झूठी भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है. लेकिन एनेक्डोट जो होते हैं ना, वो किस्से होते हैं कि मेरे साथ तो ये हुआ था, मैं वहां पे गया था तो ये बात हुई थी. वो जो स्टोरीज होती है ना, उसको हम एनेक्डोट कहते हैं, ठीक है.
और आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कभी बात कर लो कि यार मेरे साथ तो ये हुआ था, नुकागा तेरे साथ तो क्या हुआ था, ये तो मेरे साथ हुआ था। तो वो जो स्टोरियां होती है ना, एक ऐसे कई लोग होते हैं जिनके पास बहुत सारी स्टोरी होती है ऐसे सुनाने को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वैग बोलते हैं, WAG। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ए स्ले लुक दैट इज लस्टफुल। स्ले एक तरीके से हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। लस्ट जो होता है वो वासना एक वर्ड होता है हिंदी में, उस चीज के लिए यूज किया जाता है। और अगर इस तरीके से कोई किसी को देख रहा है तो उसके लिए LEER इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इज इररेजिस्टिबल क्रेविंग फॉर द एल्कोहोलिक ड्रिंक। देखो क्रेव फॉर समथिंग, क्रेव फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा। ये इंपॉर्टेंट है चीजें, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा, पूरा बड़ा सेंटेंस दे देंगे, यहाँ पे खाली स्थान दे देंगे, पूछेंगे बताओ कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, ऑफ दे देंगे, ऑन दे देंगे, बाय अपॉन। फिर आपको पता होना चाहिए कि क्रेव के साथ नॉर्मली कौन सी प्रीपोजिशन आती है, फॉर। और क्रेव फॉर समथिंग का मतलब होता है किसी चीज की तीव्र इच्छा। अब यहाँ पे इररेजिस्टिबल, रेजिस्टिबल जिस चीज को रोका जा सकता है, रेजिस्ट करना मतलब रोकना, रेजिस्टेंस जैसे क्या करता है, करंट को रोकता है। रेजिस्टिबल जिस चीज को रोका जा सकता है, इररेजिस्टिबल जिस चीज को नहीं रोका जा सकता। तो एक ऐसी इच्छा, क्रेविंग मतलब तीव्र इच्छा फॉर एल्कोहोलिक ड्रिंक, शराब पीने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिप्सोमैनिया। क्या बोलते हैं, डिप्सोमैनिया बोलते हैं। मैंने बता रखा है मैनिया वर्ड का मतलब ही ये होता है किसी भी चीज की सनक या किसी भी चीज की तीव्र इच्छा। जैसे एक वर्ड और होता है आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्लेप्टोमैनिया। इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया एग्जाम में। क्लेप्टोमैनिया क्या होती है कि चोरी करने की सनक होती है, कईयों को आदत होती है, उनका उनसे नहीं रुका जाता चोरी करे बिना, तो उनको हम कहेंगे क्लेप्टोमैनिक पर्सन है ये। तो इस तरीके से आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेज। आइडल्स हम मूर्तियों को कहते हैं, इमेज हम चित्र को कहते हैं, और जो पूजा की जाती है मूर्ति पूजा उसको हम आइडल्ट्री बोलते हैं, IDOLATRY। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूर्ति पूजा बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखो, वन हु डिस्ट्रॉयज इमेज और अटैक पॉपुलर बिलीफ। मूर्ति भंजक, एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको क्या है ये। वन हु डेस्ट्रॉयज, जो डेस्ट्रॉय करता है मतलब चीजों को डेस्ट्रॉय करना, उनका विनाश करना, इमेजेस चित्रों को, या अटैक करता है पॉपुलर बिलीफ को। देखो कुछ लोग होते हैं कि जो समाज में चीजें चली आ रही है ना, हमेशा उनका विरोध करना, उनको एक तरीके से उस चीज का खंडन करना, तो वे जो लोग होते हैं, दैट थिंग इज नोन एज आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक, एक सिंपल सा इसके लिए वर्ड है। आप इस तरीके से इस चीज को ध्यान रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे सिर्फ मूर्ति की बात नहीं हो रही, कोई पॉपुलर बिलीफ है अगर उसको भी कोई तोड़ रहा है तो उसको भी हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, तो आज की क्लास में इतना ही था। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए पीडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।